नाम से दीप सिंह चहल है। मुझे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हेयर ऑन अ लिविंग मेल टीनेजर का रिकॉर्ड मिला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से। कितनी मेहनत लगी, कितना समय लगा, कहाँ से आइडिया आया? मैं सिख धर्म को फॉलो करता हूँ और हमारे धर्म में ये माना जाता है कि बाल जो है वो वाहेगुरु जी की देन है और बालों को कभी कटवाया नहीं जाता। तो बचपन से ही मैं अपने बाल बढ़ा रहा हूँ और मेरे बाल पे आज तक कभी कैंची नहीं लगी है। कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी इसमें? मेरी उम्र अभी 15 साल है और 15 साल से ही मैंने अभी तक बाल नहीं कटवाए, तो मेरे 15 साल तक पूरे बाल बढ़ते ही रहे हैं और इन 15 सालों में भी बहुत ध्यान रखना पड़ा है, बहुत केयर करनी पड़ी है बालों की, तब जाके इस हाइट तक पहुँचे हैं। परेशानियां भी उस समय बहुत हुई होंगी। परेशानियाँ आती हैं, परेशानियाँ बचपन में जैसे लोग मेरे को चिढ़ाया करते थे मेरे बालों की वजह से, जब मैं बाल सुखाता था बाहर जाके तो मेरे दोस्त मेरा कभी कभी मजाक उड़ाते थे, लड़की कहते थे, कुछ भी कहते थे। मैंने उसको कभी बुरे वे में नहीं लिया क्योंकि मैं भी जानता था वो मजाक कर रहे हैं, और उसको मैंने एज मोटिवेशन लिया कि चलो कोई बात नहीं, और बढ़ाने हैं और अच्छे करने हैं, और इसी वजह से आज मेरे को ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। कितना सपोर्ट रहा घर वालों का, क्योंकि बाल बड़े करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। घर वालों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मेरी मदर जो हैं, मेरी मम्मा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया बचपन से अभी तक लेके भी, कभी कभी वो मेरे बाल को धोती हैं, मेरे शैम्पू करती हैं, बचपन से तो उन्होंने ही ध्यान रखा है पूरी तरह से, कंडीशनिंग करना, कुछ भी करना। तो मेरी मॉम के बिना तो ये स्पेशली नहीं हो पाता और मेरे डैड भी मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं मेरे बाल की केयर करने में। अब उन्हीं दोस्तों के भी स्कूल जाते हैं, कैसा महसूस होता है? दोस्त अब मुझे बधाइयाँ देते हैं, कहते हैं कि अरे यार तुमने बताया नहीं तुम्हें रिकॉर्ड मिल गया, और पर काफ़ी सारे लोग खुश हैं मेरे लिए, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा है, हमें पता था तुम्हारे लंबे बाल हैं, तो कुछ तो हुआ इसका। आगे क्या कुछ प्लान है? आगे मैं ये चाहता हूँ कि अपने बाल और थोड़े से बढ़ाऊँ और अपना ही रिकॉर्ड 2-3 बार तोड़ दूँ, उसके बाद जैसे ही मैं 18 का हो जाऊँगा मैं वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हेयर ऑन लिविंग मैन के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ। हॉलीवुड से कैसा ऑफर आया? बॉलीवुड से तो कहीं ऑफर नहीं आया मेरे को, अगर आता है तो क्या जाएंगे आप? क्यों नहीं जाएंगे? बात करें आपकी ही सेम उम्र के लोग जो हैं आजकल बाल जो है आप बड़े कर रहे हैं, वो कटवा कटवाते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? आजकल के सिख नौजवान कुछ अपने बाल कटवा देते हैं लोग की बात सुनकर या फिर पीयर प्रेशर में आकर या फिर सिर्फ स्टाइल के चक्कर में, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने जो सिख रूट्स हैं इनको बरकरार रखें क्योंकि आपके बाल आपको सिख बनाते हैं, आपकी पहचान नहीं है।